तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे सुपर फास्ट वे में पॉलिनोमियल का रिवीजन, और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, यकीन जानिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल में, वो ग्राफ रिलेटेड। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ दिया होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लिखा है, तो आप समझ जाना कि ये जो ग्राफ है ये किसी पॉलिनोमियल पीएक्स का है। अब ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार काट रही होती होगी, इंटरसेक्शन करती होगी, उतने उसके जीरोस होते हैं। ये बेसिक फंडा आपको सबको पता है, लेकिन इसमें कई बार इस टॉपिक से जो एसर्शन रीजन आते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिनोमियल एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करी उसे काउंट करना है, उतने उसमें जीरोस होते हैं। 1, 2, 3, 4, ये पॉलिनोमियल एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट करी, इसमें कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। ये आंसर हो गया इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं आया। सिर्फ ये देखना है कि कितनी बार एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, होता है कि पॉलिनोमियल का नाम पी वाई है, अगर पी वाई नाम है तो फिर वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन देखना है आपको, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन तब देखना है जब पॉलिनोमियल पी एक्स हो। ठीक, चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटलीस्ट 1 0 होता है, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। बेसिकली जो क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में है। अब हम जानते हैं कि जो ग्राफ होता है वो कितनी बार एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो डिसाइड करता है कि उसमें कितने जीरोस होंगे। तो इस केस में तो वो इंटरसेक्शन करेगा ही नहीं। तो अगर बात की जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिनिमम कितने जीरोस होते हैं, तो मिनिमम जीरोस जो होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब एक भी 0 नहीं है, ऐसी भी एक सिचुएशन होती है। तो मिनिमम 0 0 एंड मैक्सिमम 0 2 होता है, ये बात याद रखिए। तो कभी भी ऑप्शन होगा कि एटलीस्ट 1 0, तो ये रॉन्ग है। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, ये सही आंसर है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ये आपका पी वाई क्यू है, एंड दिस इज गिवन इन एसर्शन एंड रीजन फॉर्म, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को वो एसर्शन रीजन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे ग्राफ दिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स हो रहा है। तो अगर कोई बात पूछे आपसे तो कितने जीरोस होंगे इसके, 5 जीरोस होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पी एक्स हैज एग्जैक्टली 5 जीरोस। यस, एग्जैक्टली 5 जीरोस होंगे, क्योंकि 5 बार इंटरसेक्शन हो रहा है उसमें। रीजन में दिया है इन्होंने, इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, देन पी एक्स नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि अगर 2 बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है कोई पॉलिनोमियल, तो क्या जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है, लेकिन कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होते हैं जिसमें ग्राफ 2 बार एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिर्फ 2 बार इंटरसेक्शन कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वो क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो जो रीजन है वो भी सही है, एजम्प्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजम्प्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब दोनों सही होते हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बी ऑप्शन सही होता है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने जो पहला टॉपिक है उसके 3 क्वेश्चंस देख लिए, तीनों अलग अलग टाइप के थे, 2 MCQs थे और ये असर्शन रीजन थे। आई होप समझ आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, अब जो पॉलिनोमियल का अगला टॉपिक है, दैट इज अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम सभी जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ax2 + bx + c, जहां ए होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी कोफिशियंट जो उसके बगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, बी क्या है एक्स का मल्टीपल, और सी क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म। ये तीनों कैरेक्टर जो होते हैं ना, कॉन्स्टेंट टर्म ए बी सी, वो आपको अच्छे से पहचानते आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकता है, और एक भी जीरो नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 जीरोस रखता, अल्फा एंड बीटा। अब बाकी का आगे का जितना भी टॉपिक है ये अल्फा बीटा के आगे आगे पीछे घूमता रहेगा। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा है ये ए बी सी से एक रिलेशन में होते हैं। कौन से रिलेशन में होते हैं, अल्फा और बीटा का सम होता है -b/a, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होता है c/a। ये 2 फॉर्मूले आप सबको याद होंगे, भूलना नहीं है, भूले हो तो रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चंस है, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि हमें ये लोग दे देते हैं कि वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके 0 अल्फा बीटा है। यानी अगर अल्फा बीटा मालूम है तो क्या हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं? तो अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, वो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है के ब्रैकेट x2 - sum of zeros, यानी अल्फा प्लस बीटा x + α × β, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस ये 2 ही फॉर्मूले पे बेस्ड हमारी पूरी
एक्सरसाइज भी अगर एनसीईआरटी की बात करें और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बस इजी के बारे में। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मेट के क्वेश्चंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। फाइंड द पॉलीनोमियल, वो पॉलीनोमियल निकालिए जिसके जीरोस का जो सम है वो 1/4 है और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो -1/4 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1/4 दिया है। अब हम जानते हैं कि पॉलीनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया उसमें वैल्यू रख देंगे। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमको, 1/4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1/4 दिया है। अब इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर 4 ले लेते हैं अपन लोग एलसीएम, 4 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये k का क्या फंडा है, k यहाँ क्यों लिया जाता है? k सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रहा है तो उसे हटाने के लिए हम लोग k का यूज कर सकते हैं। आ रहा है 4, तो हम लोग k ले लेंगे 4, लेट k इक्वल्स टू 4, तो 4 ले लेंगे तो यहाँ से आपका नीचे वाला 4 जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल और आंसर क्या आ गया आपका, आपके पॉलीनोमियल का आंसर आ गया है px is equal to 4x square minus x minus 1। अब अगर इस बच्चे से ये बन गया कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो अब अगर अल्फा प्लस बीटा √3 दिया है तो भी बन जाएगा। मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है कि तो आपको पॉलीनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ही या तो दिए हैं या अल्फा प्लस बीटा दिया है या एन अल्फा इंटू बीटा दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ऐसे ही और भी कोई क्वेश्चन चेंज करके दिए जाते हैं, आई होप बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि पॉलीनोमियल एक दिया होता है और आपको डायरेक्ट उसके जीरोस निकालने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी टाइप का, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। तो आपको क्या करना है, जब भी पॉलीनोमियल का जीरो निकालना है पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाना है इसके फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन है, 1 है, 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस 8 आया। फिर मिडिल टर्म क्या है, माइनस 2 है। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करने पे माइनस 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आए। तो ये नंबर्स हैं आपके प्लस 4 एंड माइनस 4 एंड प्लस 2, माइनस 4 एंड प्लस 2 होंगे वो नंबर्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 ओवरऑल कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 4 इज इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये दोनों जो हैं जीरोज हो जाएंगे, यानी कि ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो जो पॉलीनोमियल है अगर वो रूट में हो तो करना वही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। आपका a और c जो भी है उनको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 √3 × √3 8 3 24, तो माइनस का 24 और मिडिल टर्म क्या है 5। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करने पे प्लस 5 आए मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24 आए, तो प्लस का 8 और माइनस का 3, 8 और 3 है वो नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3x² 8x माइनस 3x माइनस 2√3, तो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4x यहाँ बचेगा √3x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं माइनस √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x माइनस प्लस 2, राइट? क्योंकि देखिए 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3, तो 3 में से तो मैं √3 कॉमन ले लिया तो 1 √3 बच गया, तो ये आ गया। अब दोनों में से हम लोग √3x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 4x और ये हो गया माइनस 2। देखिए यहाँ पे फैक्टर बन गए हैं, ठीक है। लेकिन जीरो निकालने के लिए पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं, तो जब इसे जीरो के इक्वल किया जाएगा तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई √3। ये आपका अल्फा है, दिस इज योर अल्फा और इससे मिलेगा बीटा, तो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका बीटा है। तो यहाँ से आपका कॉन्टेंट एनसीईआरटी वाला कंप्लीट होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की और पीवाई की उसकी को भी डिस्कस करते हैं।
अब ऐसे क्वेश्चंस जैसे ही स्टूडेंट्स देखते हैं वो उसमें डेफिनेटली मिस्टेक करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं, लेकिन कई बार दो से कम भी हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, आप उसे सॉल्व करके देख लीजिए कि उसमें कितने जीरोस हैं। हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं और उससे 293x कॉमन ले लें अगर, तो ऐसा होगा। अब अगर 293x जीरो है तो x की वैल्यू हो जाएगी जीरो, यानी कि पहला जीरो मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा जीरो। उसके बाद जब हम इसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें दूसरा जीरो मिल जाएगा वन। तो इसके कितने जीरोस हैं? दो जीरोस हैं, एक जीरो और एक वन। तो इसका सही आंसर है बी। अब पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में जाने क्यों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट बिलीव मी ये बहुत आसान होते हैं। देखिए, अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोस हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब बी यहाँ पे क्या है? माइनस टू है और ए क्या है? पी है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है आपका टू डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी डिवाइडेड बाई ए। हम फॉर्मूला जानते हैं सी बाई ए। अब यहाँ सी क्या है? सी है थ्री पी और ए है पी, तो ये आ गया थ्री। अब यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। टू बाई पी इज इक्वल टू थ्री, यानी कि पी इज इक्वल टू टू बाई थ्री। दिस इज आंसर, टू बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर ये, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन आपको लिखना कैसे है? आपको आंसर में लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और फिर लिखेंगे आंसर। आंसर कौन सा सही है? बी। व्हाट इज बी ऑप्शन? टू बाई थ्री। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट आंसर। ऐसे ही आपको एमसीक्यूज में आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन के की वैल्यू क्या होगी? 80-90% बच्चे इतना आसान क्वेश्चन होने के बाद भी इसमें मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों एक बात जान लीजिए, पॉलिनोमियल कितना भी डिफिकल्ट दिख रहा हो, कितना भी लेंथी दिख रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वही यूज होता है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यही होता है ना। अब बी यहाँ पे क्या है? माइनस का माइनस बी अपॉन ए हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे बी कौन है? वो है नेगेटिव के प्लस सिक्स एंड ए क्या है? वन। माइनस माइनस प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा है आपका के प्लस सिक्स। इतना क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए एंड सी क्या है यहाँ पे? टू टाइम्स, टू टाइम्स टू के माइनस वन और वन क्या है? ए क्या है? वन है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा याद आता है। अब इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि के प्लस सिक्स हाफ है अल्फा इंटू बीटा का। तो देखिए इसका हाफ क्या होगा? जब इसमें हाफ लगाएंगे तो टू कट जाएगा और टू के माइनस वन आ जाएगा, ठीक। अब माइनस वन को इधर ले आओ तो सिक्स प्लस वन यानी कि सेवन और टू के माइनस, प्लस के उधर जाएगा माइनस के, तो के की वैल्यू मिल जाती है सेवन। देखिए तो के इक्वल्स टू सेवन। देखिए कितना आसान था, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है वही तो यहाँ यूज हो रहा है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो हमें निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ हो सकती है कि आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप उससे खुद ही अल्फा बीटा निकाल लें और इस जगह पर रख लें। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब सवाल ये उठता है कि अब अल्फा बीटा तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हम 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए बच्चों, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला। क्या जानते हैं हम? हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, पी यानी कि सेवन अपॉन ए यानी कि फाइव। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए यानी कि वन बाई फाइव, ठीक। अब इन्होंने पूछा क्या है? वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा पूछा है ना। अब इन्होंने पूछा क्या है? वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, तो बीटा यहाँ जाएगा और अल्फा यहाँ आएगा, यानी ये कुछ और नहीं बल्कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपको मालूम है सेवन बाई फाइव, अल्फा इंटू बीटा वन बाई फाइव मालूम है। फाइव फाइव कैंसिल, सीधे सीधे आंसर आ जाता है सेवन, ठीक है। तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा की वैल्यू क्या है? सेवन। बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा क्या हो गया? सेवन। तो अब से जब भी वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा पूछा जाए, समझ लेना कि ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा पूछ रहे हैं।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा आप निकाल पाते हो या नहीं, आप ये डेफिनेटली निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो वो पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस ये हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे लोग अक्सर सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमारे बस का नहीं है। बिलीव मी बच्चों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ रखी है बस उसे अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाओगे। इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे बी क्या है, माइनस टू, और ए क्या है, वन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया टू, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और सी यहाँ पे क्या है, थ्री है, एंड ए क्या है, वन, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा थ्री आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा टू और अल्फा इंटू बीटा हमें थ्री मिल गया है। अब इन्होंने कहा है कि वो पॉलिनोमियल निकालो जिसके रूट्स अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू है। तो अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट की होती है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हमें वो पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू है, तो यानी इन दोनों का सम हमें यहाँ रखना है। तो अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू, क्यों, हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू है, तो इनका सम हम यहाँ रखेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट हम लोग यहाँ रखेंगे। अब इसे हम लोग कर लेंगे सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा टू प्लस टू फोर, फिर आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो आप जानते हो टू है, तो यहाँ पे टू रख देंगे। फिर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू इंटू टू फोर, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा है थ्री। ठीक, अब टू कॉमन ले लें तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है कि टू है ना, तो टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा यानी कि टू, और ये फोर, मतलब हमने ना यहाँ पे वैल्यूज रख दी, ये आ गया आपका इतना। ये है वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस कौन है, अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों हम लोग वो पॉलिनोमियल निकालेंगे जिसके जीरोस ये होंगे। तो देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो हमें जो भी जीरोस दिए हैं उनका सम यहाँ होगा और उनका प्रोडक्ट यहाँ होगा, यानी कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हमने वैल्यू रखनी है और केयरफुली इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, फिर बीटा प्लस वन का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो अल्फा माइनस वन इंटू बीटा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन इंटू अल्फा प्लस वन। अब इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें तो सीधे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा पॉलिनोमियल आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है के एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व करने पे ये आ रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा अल्फा बीटा प्लस वन माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होती है तो हमारे पास बेसिकली उससे क्या मिल जाता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें मिल जाता है। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई किया तो देखिए फॉर्मेट क्या मिल रहा है, के एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो हमारे पास है माइनस टू, फिर अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, मतलब वो फॉर्मेट अब मिल गया जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो बस उसे रख देना है और आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखिए अब हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा टू और अल्फा इंटू बीटा थ्री, बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा फोर बाई इंटू बीटा थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, फोर बाई सिक्स एक्स प्लस, ऐसे ही यहाँ रख देंगे अल्फा इंटू बीटा थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस टू यानी कि टू बाई सिक्स, टू बाई थ्री एक्स प्लस, ये कैंसिल हो के वन बाई थ्री। तो वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ही इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में हो वो भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ के आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अल्फा बीटा ही यहाँ से निकाल नहीं पाते हैं, ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ट्रिक,
इसकी ट्रिक है अलजेब्रा में। तो बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल में हम रूट्स निकाल पाएं या ना निकाल पाएं, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/α + 1/β का मतलब ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अलजेब्रा में हमने पढ़ा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α β। बस अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखिए, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रखिए, सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लेता है तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3α β इंटू अल्फा प्लस बीटा। बस अगर वो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर पूछ लें, देखो दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ बचेगा बीटा, बस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो। अब अगर वो पूछते हैं इस तरह से अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो इसमें हम लोग अल्फा बीटा एलसीएम ले लें, अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ अल्फा स्क्वायर, बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ बीटा स्क्वायर। अब ऊपर रखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि हमने यहाँ निकाल लिया था, और नीचे रखना है अल्फा इंटू बीटा।